कोरोना महामारी ने पिछले एक साल से पूरे विश्व में अपने पांव पसार रखे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का एक बहुत ही भयानक मंजर हम सभी को देखने को मिला। एक्सपर्ट की ओर से मिल रही जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर भी भारत में जल्द आने की पूरी संभावना है। और हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के अपनी राय रखी है। आपको बता दें, डॉक्टर शेखर सी मांडे ने कोरोना की तीसरी लहर के बारे में कहा कि कोरोना की तीसरी लहर निश्चित रूप से आ रही है, लेकिन यह कैसे और कब हमला करेगी इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता है। इस बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन और मास्क पहनने से निश्चित रूप से तीसरी लहर की तीव्रता को कम किया जा सकता है। डेल्टा वेरिएंट के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर शेखर ने कहा कि डेल्टा संस्करण खराब है, लेकिन इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देश को एक सुरक्षित दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगली लहर आने की संभावना है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि डॉक्टर मांडे ने वैक्सीनेशन को अहम बताते हुए जनता से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन तीसरी लहर से निपटने के लिए एकमात्र हथियार है, जिसके चलते सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि तीसरी लहर का सामना करने में आसानी हो सके। स्पेशल डेस्क से भावना मिश्रा की रिपोर्ट।